हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपके अमित सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा आप लोगों को पता है, इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, चाहे वो सॉल्यूशन हो, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल हो, चाहे इंटेक्स हो, चाहे हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, हम इस सीरीज के प्ले लिस्ट में सारे आप लोगों के लिए इंडिविजुअल क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका समय बचाया जा सके। तो उसी सीरीज में आज हमारे पास कौन सा है, हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल, कौन सा सॉल्व एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5 को हम सॉल्व करने वाले हैं आपके लिए। तो आइए इस चीज को करते हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इससे सीख पाओगे, हालांकि इस क्वेश्चन में मैं आपको ज्यादा कुछ सिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं डायरेक्ट काम की बात है, अगर मैं आपको इसको ग्राफ से बताता, राउट स्लो के ग्राफ से, तो क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन बनता, लाजवाब क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। लेकिन फिर भी हमारे पास अपने दायरे में रख के इसको करते हैं सॉल्यूशन, बाकी चीजें आप ग्राफ से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, मैं आपको इतना विश्वास देता हूँ कि क्वेश्चन बहुत मजेदार है। तो आइए देखिए, हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे जी, सॉल्यूशन, ठीक है जी, आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए हमारे पास क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि हमारे पास पहले डाटा पकड़ते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, ओके, हमारे पास देखिए वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है जी, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, क्या है, डाइक्लोरोइथेन, सॉरी डाइक्लोरोमीथेन, मीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरो, हमारे पास क्या है, डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन टेम्परेचर, कितना है 200 हमारे पास एमएम ऑफ एचजी है, और दूसरा वाला कितना है भाई 400 एमएम ऑफ एचजी हमारे पास इतना है प्रेशर, इतना इसका दिया हुआ रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी, हमारे पास इतना दिया हुआ, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, हमें क्या करना है, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयरिंग बाय द मिक्सिंग, कितना मिक्स किया जा रहा है जी, 25.5 ग्राम ऑफ हमारे पास किसका क्लोरोफॉर्म का एंड 40 ग्राम ऑफ किसका भाई डाइक्लोरोमीथेन का हमें कैलकुलेट करना है। दूसरा हमें ये भी बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, हमारे पास क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन बताना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इन द वेपर फेज, ध्यान रखेंगे वेपर फेज के अंदर बताना है, ये मुझे लगता है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसमें हार्ड कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन समझने के लिए इससे बढ़िया कोई, मतलब राउट स्लो को समझाने के लिए इससे बढ़िया कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता था, बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है, और पता नहीं लोग इसको कोई कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। तो इस चीज को सीखिए, हमसे क्या कहा जा रहा है, पहले आप लोग, मैं आपको अपना वाला तरीके से मैं बॉक्स बना के दिखाता हूं, देखिए ये है, ये तो मेरा फेमस हो गया है ये बॉक्स वाला तरीका चले पहले इसको हटा देते हैं, थोड़ा पूंछ ज्यादा निकल जाता है हमारा, ठीक है जी, आइए देखिए कहा क्या जा रहा है, हमारे पास इसके अंदर हमारे पास सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है जी, आइए हमारे पास ये क्या है भाई, हमारे पास कुछ सॉल्यूशन इसके अंदर है, देख हमारे पास कहा जा रहा है कि इसके अंदर दो हमारे पास चीजें भरा हुआ है, ले लीजिए इसके अंदर दो सॉल्यूशन है, एक है हमारे पास CHCl3 जिसको क्लोरोफॉर्म कह रहे हैं, और दूसरा है CH2Cl2 जिसको डाइक्लोरोमीथेन कहा जा रहा है, इसके अंदर दो चीजें भरा हुआ इसके अंदर डाला गया है, ऊपर से इनमें हमारे पास क्या है, दोनों को अंदर डाला गया है, और एक का प्रेशर क्लोरोफॉर्म का जो हमारे पास इसका जो प्रेशर दिया हुआ है, इसके बारे में देखिए इसका क्या दिया हुआ है, प्रेशर, प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 कितना दिया, प्रेशर ऑफ CCl3 हमारे पास कितना दिया हुआ है, चेक करो इसका प्योर प्रेशर हमारे पास कितना दिया हुआ है हमारे पास इसका प्योर प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्योर प्रेशर हमारे पास, प्योर प्रेशर ऑफ इसका कितना दिया हुआ है चेक करो, क्लोरोफॉर्म पहले है तो इसका दिया हुआ 200 mm of Hg, बेहतरीन,
200 mm ऑफ HG दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास इसका क्या दिया हुआ है जी, इसका जो पी ऑफ पी नोट कितना दिया हुआ है, CH2Cl2, इसका कितना दिया हुआ है ध्यान से देखो, 415 mm ऑफ HG दिया हुआ है। चलो ऑफ को हटा देते हैं, mm ऑफ HG दिया हुआ है। ओके आया बात समझ में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है जी आइए बात समझे। दूसरा हमसे एक और बात कहा जा रहा है, देखो हमारे पास कैलकुलेट अभी जो बात करेंगे, इसका जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म का कितना ग्राम दिया हुआ है, इसका जो दिया हुआ है गिवन मास वो कितना दिया हुआ है, गिवन मास इसका दिया है 25.5 ग्राम दिया हुआ है। बेहतरीन बेहतरीन। और इसका कितना ग्राम दिया हुआ है जी, चेक करो इसका जो हमारे पास जो गिवन मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 40 ग्राम। आया बात समझ में जी, इतना हमारे पास दिया हुआ है। तो आइए लगे हाथ हम इनका क्या करें भाई, मोलर मास भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करेंगे भाई, मोलर मास भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए पहला मोलर मास हम निकाल रहे हैं किसका, CHCl3 का। चेक करो 1 × 12 + 1 × 1 + 3 × 35.5। ओके इसका कितना आएगा, 12 + 1 + कितना आएगा जी, 35 × 70 कितना आएगा हमारे पास, 35 × 70 105, 106, 107 करीब करीब। एक बार चेक कर लेते हैं, 35.5 × 3 106, ठीक है जी 106.5। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा जी, प्लस में कितना है 1, प्लस में कितना है 12, तो इसका कितना आया 119.5 आ गया इसका मोलर मास। किसका मोलर मास आया जी, क्लोरोफॉर्म का हमारे पास मोलर मास आया है। मोलर मास इसका कितना आया है जी, 119.5 आ गया है इसका मोलर मास। ओके आइए इसी तरीके से डाइक्लोरो का भी चेक कर लेते हैं, मोलर मास बराबर में CH2Cl2 यानी 1 × 1 × 12 + 2 × 1 + 2 × 35.5, तो इसका आया 12 + 2 + 70 + 71। तो इधर कितना आया हमारे पास आया 85 आया इसका मोलर मास। कितना आया है जी, 85 आया है मोलर मास, कितना आया जी 85 आया है। देखो अब इसको हमारे पास अलग अलग बक्से में बंद कर लेते हैं ताकि हमारे पास चीजों को और करने में आसानी हो। हमने जो निकाला है ये वाला एक कंटेंट है, ठीक है जी, और ये रहा दूसरा कंटेंट, ठीक है जी, ये हमने अभी तक इसमें डाटा निकाला है। कह रहा है कि देखो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप का वेपर फेज बनता है, दो टाइप का वेपर प्रेशर बनता है। हमारे पास क्या क्या, सबसे पहला तो पूछ रहा है यहां का बताओ, यहां हमारे पास क्या है वेपर फेज में क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे हमारे पास क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट, दोनों का बताना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 बताइए कितना होगा, और दूसरा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 हमारे पास पूछा जा रहा है कि मोल फ्रैक्शन किसके अंदर, वेपर फेज के अंदर हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वेपर फेज के अंदर इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा। ओके और दूसरा हमसे पूछा जा रहा है कि क्या निकालना है, टोटल टोटल क्या बताना है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और दूसरा हमें क्या बताना है यहां पे P टोटल मतलब टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, दोनों का टोटल हमें बताना है कि टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना आएगा, ठीक है जी, टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आएगा। तो आइए पहले इसको डिलीट कर देते हैं, उम्मीद करता है आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या निकाल लेते हैं, अगर बताओ मुझे टोटल वेपर, मुझे क्या चाहिए, टोटल प्रेशर चाहिए, तो मुझे सबसे पहले पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। क्यों ऐसा बात क्यों कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, चलिए
ऐसा बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, P टोटल बराबर में होता है P ऑफ CHCl3 प्लस में P ऑफ PClH2। ऐसा बात कहेंगे तभी तो टोटल निकलेगा, P ऑफ टोटल। चलो इसको भी अच्छे से लिख देते हैं, तभी तो हमारे पास ऐसा मटेरियल निकलेगा। अब जब तक हमें पार्शियल प्रेशर किसका ना पता रहे, क्लोरोफॉर्म का है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई क्लोरोफॉर्म का, तो हमारे पास क्वेश्चन में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या लगाएंगे, अपना जुगाड़ लगाएंगे, सबसे पहले यही निकालेंगे। आइए तो एक और हमारे पास लाइन खींचते हैं, और यहाँ पे हमारे पास इसका क्या निकालते हैं, कंटेंट निकालते रहते हैं। देखिए अब हमें पता है क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एच सी एल थ्री बराबर होता है पार्शियल, हमारे पास क्या, प्योर प्रेशर ऑफ सी सी एच सी एल थ्री इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सी सी एल थ्री सी एच सी एल थ्री। ठीक है जी, हमारे पास इतना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा, हमारे पास इतना मटेरियल है, तो हमारे पास दूसरे क्या निकालना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर सी एच टू सी एल टू, इसका भी निकालेंगे तो कैसा चाहिए हमारे पास, इसका निकालेंगे तो कैसा चाहिए हमारे पास, इसको चाहिए पी नॉट ऑफ सी एच टू सी एल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कितना आएगा, सी एच क्या आएगा, सी ज्यादा बड़ा हो गया, सी एच टू सी एल टू, हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, हमें ये निकालना पड़ेगा तभी तो काम हो पाए। लेकिन दिक्कत ये है कि मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या है भाई, दोनों का हमारे पास, अब हम चलो एक बार काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैंने जगह बिना डाले ही लिख दिया है। ओके तो एक काम करते हैं, इसको पहले डिलीट करो, पहले एक का निकाल लेते हैं फिर दोनों का निकालेंगे। ठीक है जी, बताओ हमारे पास इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, बताओ प्योर पार्शियल प्रेशर, हमारे पास प्योर प्रेशर कितना दिया हुआ, हमारे पास क्लोरोफॉर्म का दे दिया हुआ 200, या मोल फ्रैक्शन पहले निकाल दे, मोल फ्रैक्शन हमें पहले ही निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, पहले ही निकालना पड़ेगा, या इसको देखो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, वैसे तो मैं निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, दिक्कत वाली बात नहीं है, निकाल सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को तुम और भी बहुत जल्दी कर सकते हो। आपको ये कैसे, बिना ये सब किए, देखो मैं तरीका बताता हूँ, यही तो मैं बात कह रहा हूँ भाई, कमाल तरीका है, कमाल एकदम कमाल तरीका है, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। वैसा तो मैं एक करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे हमारे पास कर सकते हैं, यहां ध्यान से देखो, मेरे पास इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर, टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या लिखूंगा, पी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एच सी एल थ्री। ठीक है जी, हमारे पास क्या, प्योर प्रेशर ऑफ इतना, हमारे पास प्योर प्रेशर ऑफ क्या आ जाएगा, सी एच सी एल थ्री। बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, इसी को मैंने ओपन करके ऐसा लिख दिया। दूसरा, इसको भी ओपन करो, क्या है हमारे पास, प्योर प्रेशर ऑफ सी एच टू सी एल, और हमारे पास क्या है, एक्स ऑफ सी एच टू सी एल। आया बात समझ में, क्या कर रहे हैं कि मैंने इस चीज को ऐसे, मैंने इसको दूसरे दोनों वाले के लिए लिखूंगा ऐसा, तो मैंने इसको पुट करके यहाँ पे डाल दिया। चलो इसको भी ऐसा लिख दो, नहीं तुम्हारे भी आत्मा में खुड़क रहेगा कि हाँ भैया ये क्या ऊपर नीचे कर रहे हो। चलो सी एच टू सी एल टू किसके बराबर है भाई, प्योर प्रेशर ऑफ सी एच टू सी एल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एच टू सी एल टू इसके बराबर रहेगा। तो इसके जगह पे वैल्यू मैंने यहां पे क्या किया, इसके जगह पे, इस वाले के जगह मैंने क्या पुट कर दिया भाई, इसको पुट कर दिया, और इस वाले जगह पे मैंने इसको पुट कर दिया। ठीक है जी, अब देखो मुझे दूसरी बात बताओ, यही तो इसका क्वेश्चन का खूबसूरती है भाई, इसको मैं एक नहीं करीब लगा लो पांच तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, फाइव तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। मैं तुम्हें इसमें सोचने को बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो तुमने देख लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा, मैं इसको सोचने का तरीका बता रहा हूँ। देखो कैसे, क्या कहूं मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एच सी एल थ्री प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एच टू सी एल टू बराबर में वन होगा, इसमें तो मना नहीं करोगे। अब देखो मैं एक के टर्म में भी बात कर सकता हूँ सिंगल, मान लो मुझे किसी में भी निकालना चाहिए, मैं निकाल दो सी एच सी एल थ्री बराबर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एच टू सी एल टू।
इतना बात सही है कि नहीं है? इतना बात सबका सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इतना मटेरियल में? हाँ जी सबका सही है, सबका सही है। या मोल फ्रैक्शन निकालना ही पड़ेगा? चलो कोई बात नहीं, जब आएगा तो निकालेंगे तो दिखाएंगे। आइए एक बार पहले मोल फ्रैक्शन निकाल ही ले गया, मोल फ्रैक्शन निकाल ही ले या इसको सॉल्व करना। आइए मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं पहले। चलिए आइए मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या निकालेंगे, सी एच पहले इसका निकाल लेते हैं, सी सी एल थ्री का निकाल लेंगे। बताओ कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी सी एल थ्री डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एच सी एल थ्री प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एच टू सी एल टू। हमारे पास इसका बताओ नंबर ऑफ मोल्स इसका कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाई में मोलर मास। तो आइए यहाँ पे निकालते हैं, गिवन मास बाई में मोलर मास इसका निकालते हैं। चलिए मोल फ्रैक्शन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकाला जा रहा है इसका, चलिए आइए मोल्स निकाल रहे हैं। बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एच सी एल थ्री बराबर में क्या होता है, गिवन मास वाई में मोलर मास बराबर। बताइए गिवन मास हमारे पास इसका कितना है क्लोरोफॉर्म का, तो क्लोरोफॉर्म का है 25.5 डिवाइड में इसका मोलर मास कितना है 119.5। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए इसका कितना मोल आया 0.213 मोल्स हमारे पास इसका इतना आ गया। ठीक है जी, तो आइए यहीं पे लिख लेते हैं इसके कितने मोल्स आ गए जी, इसके मोल्स कितने आ गए, तो 0.213 मोल्स इसका आ गया। तो इसके भी एक बार मोल्स निकाल लें, मोल्स इसका निकाल के चेक कर लेते हैं। तो बताओ इसका तो हमारे पास एक दूसरा काम है, एक क्या है कि इसी में से हमारे पास वन में से माइनस कर दो या दूसरा निकालना है तो निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। गिवन मास हमारे पास मोल निकाल सकते हैं। अच्छा नहीं नहीं मोल्स निकालना पड़ेगा भाई, ये मोल फ्रैक्शन थोड़ी ना है, मोल्स निकालना पड़ेगा। तो आइए एक बार और कर लेते हैं, इसको तो हम उधर ही कर देंगे या इसको छोड़ो जो जहां तक जा रहा है जाने दो। स्टेप ध्यान रखना भाई कहां से कहां जा रहा है। चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एच टू सी एल टू बराबर में क्या करेंगे, गिवन मास वाई में मोलर मास बराबर में। गिवन मास कितना है इसका 40 ग्राम और मोलर मास कितना आया है 85 आया है 85। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, 40 डिवाइड बाई में 85, इसके मोल्स कितना आ गए 0.470 मोल्स हमारे पास इसके आ गए हैं। चेक करो इसके कितने मोल्स आए हैं 0.470। ठीक है जी। अच्छा एक बार हमारे पास यहाँ पे टोटल मोल्स भी निकाल लेते हैं। चलो टोटल मोल्स, टोटल मोल्स किसके बराबर होगा, मोल्स ऑफ सी एच टू सी एल टू प्लस में मोल्स ऑफ सी एच सी एल थ्री। मोल्स ऑफ सी एच टू कितना भाई 0.470 प्लस में इसका कितना है 0.213 मोल्स है। आइए इनको कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन बहुत मजेदार है ये। 470 प्लस में 0.213 कितना आएगा, टोटल मोल्स आया 0.683 मोल्स हमारे पास इतना मटेरियल आ गया। टोटल मोल्स कितना आया जी 0.683 मोल्स आया है। तो आइए अब हमारे पास पीछे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चाहिए हमारे पास इतना मोल्स। ऊपर बताओ क्लोरोफॉर्म के कितने मोल्स आए हैं, तो आप कहोगे 0.213 मोल्स आए हैं। यहां चेक करो इसके कितने मोल्स आए हैं भाई, इसके 0.314 और टोटल मोल्स कितने हैं, तो टोटल मोल्स डिवाइड बाय में 0.683, तो इसके कितने आ जाएंगे भाई, इसको बताओ कितने आ जाएंगे। तो आप कहोगे सर 0.213 डिवाइड बाय में 0.683। अब इसको करने पे टोटल इसके कितने मोल्स आ गए जी,
0.311 मोल्स हमारे पास इसके आ जाएंगे। वन मोल हमारे पास ऊपर है तो इधर टू आ जाएगा, इतने मोल्स हमारे पास किसके आएंगे, इतने मोल फ्रैक्शन आया है। मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.312 मोल फ्रैक्शन आया है। इसी तरीके से अगर जब मैं दूसरे वाले का मोल्स निकालू, कैसे निकालूंगा, वैसे तो वन में से माइनस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप माइनस करके निकाल लेना, मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। तो जीरो पॉइंट में इसका कितना है, 470, 470 डिवाइडेड बाय 0.683। इसको हमारे पास, वैसे तो आप माइनस में वन करके भी निकाल सकते हो, उतना ही आएगा। 0.470 डिवाइडेड बाय 0.683, इसका कितना आ गया जी, 0.688 हमारे पास इसका मोल्स आ गया। आया बात समझ में, इतना कहां से आया, कैसे आ गया। चलिए आइए अब देखिए, हमारे पास इसको क्या कह सकते हैं, हमारे पास पीटी बराबर में मोल्स, हमारे पास सॉरी क्या था, हमारे पास पी नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, क्लोरोफॉर्म, प्लस में हमारे पास क्या है, प्योर का वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl Cl2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। अब याद करो, प्योर प्रेशर हमारे पास इसका कितना है, चेक करो, 200 mm ऑफ HG और मोल फ्रैक्शन इसका कितना आया है, मोल फ्रैक्शन चेक करो जी, ये रहा इसका मोल फ्रैक्शन और इसका मोल फ्रैक्शन ये रहा, तो इसका कितना आया है, 0.312 प्लस में। इसका बताइए इसका कितना आया है, तो इसका हमारे पास प्रेशर कितना है, 415 इंटू में इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया है, 0.688 आया है। ओके ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यहां तक मामला समझ में आ रहा ना कैसे चल रहा है। हाँ जी आइए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 200 इंटू 0.312 कितना आया जी, ये आया है 62.4 आया है प्लस में। अब इसको चेक करते हैं, 415 इंटू 0.688 आया है, इसका कितना आया है, 285.52 आया है। अब इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, टोटल प्रेशर, तो आइए जोड़ लेते हैं, 62.4 टोटल हमारे पास प्रेशर कितना आया है, टोटल 347.92, ये क्या आया है जी, टोटल प्रेशर आया है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना आया जी, 347.92। ये आ गया हमारे पास पहला पार्ट, ये खत्म हुआ राइट, ये कौन सा पार्ट खत्म हुआ जी, फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है आपका। अब देखिए पार्ट फर्स्ट हमारे पास ये चीजें हमने खत्म कर लिया, तो इसको हमने पीछे ही कर लिया, तो इसमें यहां तक ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन बहुत गजब है, ठीक है जी, आया बात समझ में। अब हमें क्या निकालना है, पहला बात तो हमने निकाल दिया, यानी पहले वाले का आंसर कितना आएगा जी, फर्स्ट वाले का आंसर जो आएगा, पहले वाले का क्वेश्चन का आंसर 347.92 आया है, ठीक है, एमएम ऑफ एचजी भी है, टोटल प्रेशर कितना आया है, एमएम ऑफ HG, टोटल वेपर प्रेशर हमारे पास इतना आ गया है इसका सॉल्यूशन का। अब कह रहे हैं वेपर प्रेशर में भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है, वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो बताइए कैसे निकालेंगे, ऑफ ईच कंपोनेंट के लिए बताइए क्या है, डिलीट कर दे, यहां से डिलीट कर दे कुछ, चलो इसको आप कर लेना, मैं इसको यहां पर डिलीट कर रहा हूं, या अगला ही पेज ले लें, आगे पेज ले लेते हैं, एक और रुको आगे पेज ले लेते हैं, इसका बैकग्राउंड कर देते हैं चेंज, चलिए हमारे पास क्या निकालना है, वेपर फेज के अंदर टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, कि टोटल सॉरी हमारे पास टोटल मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज के अंदर, तो बताओ कैसे निकालेंगे वेपर फेज के अंदर, तो देखो हमारे पास कैसा होता था, इन वेपर फेज वेपर फेज
वेपर फेज में हमारे पास कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास कैसे निकालते हैं, प्रेशर ऑफ किसका निकालना है, यानी मान लो CHCl3 का निकालना है, तो क्या निकालेंगे, पी ऑफ टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, हमारे पास वेपर प्रेशर में इतना और इनटू में, इसको एक्स से नहीं दिखाते हैं, वाई से दिखाते हैं ताकि दोनों में डिस्टिंग्विश हो पाए, तो है मोल फ्रैक्शन ही, तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, CHCl3 का मोल फ्रैक्शन निकालना। इसी तरीके से हमारे पास किसका निकालेंगे जी, इसी तरीके से हमारे पास क्या निकालेंगे, PCH2Cl2 क्या आएगा, P ऑफ टोटल इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, CH2Cl2 का। तो बताइए इसको हमारे पास कैसे निकालेंगे, इस वाले को कैसे निकालेंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, P नॉट ऑफ CH ये देखो हमने पीछे निकाल रखा होगा, इस चीज को देखो क्या हमारे पास यही निकाल रहे हैं क्या, चेक करो ये रहा मटेरियल, ये रहा जब निकालने कोशिश कर रहे हो वो यही है, तो इसकी वैल्यू यहां से आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितना है 62 आएगा, आइए चलिए देखिए, तो इसकी वैल्यू कितना आया जी, इसका वैल्यू आया 62.4 और टोटल हमने प्रेशर निकाला हुआ है, टोटल प्रेशर कितना आया जी, चेक करो इधर आया 347.92 और मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज यानी CCl3। अब आइए इसको करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई ऑफ CHCl3 बराबर में, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 62.4 डिवाइड बाई में 347.92। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आंसर आएगा, 62.4 डिवाइड बाई में 347.92 इसका कितना है जी, 0.179 इसका मोल फ्रैक्शन आया किसमें, वेपर फेज में। वेपर फेज के अंदर हमारे पास इतना आया, वेपर का स्पेलिंग गलत हो गया, वेपर फेज के अंदर इतना हमारे पास आया है, चेक करो। अब इसी तरीके से हमारे पास इसका कैसे निकालेंगे जी, इसको चेक करो, तो हमने ये भी निकाल रखा है पीछे, ये चेक करो ये रहा मटेरियल, यही तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कितना आया है जी, 285 × 52 ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितना आया, इसका वैल्यू आया 285.52 बराबर, टोटल कितना आया 347.92 इंटू में, अच्छा इसको हमारे पास क्या लिखेंगे भाई, इस वाले को देखो वाई बना दो, ठीक है जी वाई, क्योंकि हमारे पास क्या निकालना है, वेपर में निकाला तो वेपर में वाई है, तो मोल फ्रैक्शन ही, घबराना नहीं है, वो तुम वाई भी रहने दे सकते हो तो भी बात सही है, चलिए क्या लिखेंगे भाई, हमारे पास क्या है इनटू में, इनटू में वाई CH2Cl2। अब बताओ हमारे पास क्या निकालेंगे, YCH2Cl2 बराबर है किसके, 285.52 डिवाइड में 347.92। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 285.52 डिवाइड बाई में 347.92, तो इसका कितना आया, 0.821 आएगा, क्योंकि ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, किसके अंदर, इन वेपर फेज, इन वेपर फेज के अंदर हमारे पास इतना आएगा, तो हमारे पास ये था ऑप्शन, हमारे पास क्या था, बी पार्ट, ये था हमारे पास बी पार्ट, ठीक है जी। तो देखो हमने पहले क्या क्या किया, ध्यान से सुन लो एक बार और बता रहे हैं, क्या क्या किया हमने इसके अंदर,
देखो हमारे पास डाटा दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था डाटा, कह रहा वेपर प्रेशर हमारे पास क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म यानी पी नॉट दिया हुआ है, हमारे पास पी ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है जी, वेपर पर हमारे पास पी नॉट इतना दिया हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, डाइक्लोरोमीथेन का भी दिया हुआ है, कितना 415, तो हमने डाइक्लोरो का भी हमारे पास लिख लिया 415 आएगा। फिर हमसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट करना है, इसका मास भी दिया हुआ है, कितना मास है 25.5, और इसका जो मास कितना दिया हुआ है 40 मास दिया, हमने ये भी लिख लिया गिवन मास में। अब हमने इसका मोलर मास निकाला, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास आया 119.5 और हमारे पास इसका डाइक्लोरोमीथेन का कितना आया है 85 मोलर मास आया है। फिर मोलर मास से हमने क्या निकाल दिया, मोल, क्या निकाल दिया है जी, इसके मोलर मास से क्या निकाल दिया, मोल, तो मोल्स कितना आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारा क्लोरोफॉर्म कितना आया 0.213 और इसका क्लोरोफॉर्म, इसका हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन का कितना नंबर ऑफ मोल्स आया 0.470 आया है। फिर हमने इसका क्या निकाला, मोल फ्रैक्शन, तो आइए मोल फ्रैक्शन भी एक बार यही लिख देते हैं, ठीक, इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 312, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया है 0.312 आया है, और इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया है चेक करो, इसका मोल फ्रैक्शन हमारे पास कितना आया है 688, 0.688 मोल आया है। फिर हमने इससे क्या निकाल दिया जी, इसको करके हमने क्या निकाल दिया, इसका हमने प्रेशर निकाल दिया है, हमने इन दोनों को करके क्या निकाल दिया है, हमने इन दोनों से क्या निकाल दिया, इसका टोटल प्रेशर निकाल दिया, ये सारे करके हमने क्या क्या निकाल दिया भाई, टोटल प्रेशर निकाल के आया है, ठीक है जी, टोटल हमने प्रेशर, अच्छा ये भी जब इतना लिख रहे हैं तो ये भी लिख लेते हैं कितना आया 62.4, तो इसका हमने पास पार्शियल प्रेशर देखे, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना आया था जी, पार्शियल प्रेशर इसका कितना आया है पी ऑफ सी एस सी एल थ्री कितना आया है 62.4 और इसका पार्शियल प्रेशर कितना आया है सी एच टू सी एल टू इसका आया है 285.52, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हाँ जी ठीक है जी, तो हमने क्या कर दिया जी, इन दोनों को क्या कर दिए हैं, फिर हमने क्या कर दिया, टोटल निकाला है, तो टोटल निकाल के हमने क्या कर दिया, इन दोनों को सम कर दिया, ठीक है जी, इन दोनों को क्या कर दिया सम, तो सम कितना आया है 347.92 mm of Hg इतना आया, और ये पूछा गया था हमसे, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है जी, ये था हमारे पास फर्स्ट वाला जो पार्ट था ये पूछा गया था, दूसरे वाले पार्ट में हमारे पास मोल फ्रैक्शन वेपर फेज पूछा था, वेपर फेज के अंदर हमारे पास कितना आया था जी, वेपर फेज के अंदर हमारे पास कितना आया है, इसको हमने गलत लिखा है क्या, 285.52, इस पर चेक करें 285, हाँ ठीक है जी, हमारे पास इतना हमने कर दिया, ये हमारे पास क्या था, फिर हमने इसका निकाला क्या भाई, फिर हमने इसी चीज का क्या निकाला, इसका निकाला वेपर फेज में, यानी वाई ऑफ सी एच सी एल थ्री बराबर वाई कितना आया है जी, इसका चेक करो, इसका वाई कितना है 0.688, इतना आया, इधर आया वाई इसका कितना आया जी 0.179, ठीक है जी, अच्छा ये स्लाइड बढ़ गया है तभी दिक्कत है, 0.179 आया है वाई में, इसका वाई कितना आया है जी चेक करो, इसका वाई कितना आया है, वाई वाई सी एच टू सी एल टू इसका कितना आया है, इसको चेक करो 821, इसका आया है 0.821 mm ऑफ Hg, ठीक है जी, ये था हमारे पास पार्ट नंबर टू पूछा गया था, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको और भी बहुत सारा तरीका है समझाने की, इसके ग्राफ से समझा लो, जिससे मर्जी उसे समझा लो, इसको टोटल मैं अपने ऑफलाइन क्लास में 5 तरीके से सॉल्व करना बताता हूँ कि इसको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, और जो नहीं समझ में आया तो दोबारा करिए, देखो मैं जानबूझ के चीजों को मैंने कॉम्प्लिकेट जरूर किया है, लेकिन मैं इसे चाहता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा सा और दिमाग को खोलो कि इसके अंदर और क्वेश्चन के अंदर क्या क्या किया जा सकता था, ठीक है जी, ताकि इससे आपका कंसेप्ट बिल्ड हो पाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन कर लिए हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन में करना क्या था, कई बार ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं सर ये दिया ये दिया ये दिया ये खटखट करके निकाल देते हैं, उनको यही नहीं पता चलता वो कर क्या रहे हैं,
ठीक है जी। आप लोग प्लीज इस बात को समझो कि हमने इसके अंदर क्या क्या है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।